क्या पूछना चाह रहे थे बेटा, प्रश्न करें। बहन के लिए ही पूछना था मेरे को। हाँ तो मतलब इनके बिल्कुल तलाक की नौबत है, केस भी हो गया है, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। सिस्टर का अब मुझे कहना बस है बताइए कि ना, देखिए देखिए, आप अपनी बहन के बारे हाँ में जी मुझे बता देंगे तो मैं ऐसे क्या है। हाँ बताऊंगी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी आप जो है ये बहन भी हम किसी से कम नहीं, और आपके बहनोई भी, जीजा जी भी, तुम्हारे जवाई है कि जीजा जी है क्या है, वो भी हाँ हम जी हाँ जी किसी से कम मेरे नहीं। हाँ जी आपकी जो हाँ बहन है जी वो बड़ी ज्ञानी, बड़ी विद्वान है, और ईश्वर की कृपा से जीवन जीना चाहती है, और चाहती है कि भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ मिले। पति को बहुत ज्यादा अच्छा चाहती है लेकिन पति उसको नहीं समझता, तो क्रोध में आके ये भी अपशब्द कह जाती है, बोल जाती है, और उसको हाँ जी वो लिख लेता है। मतलब उसके लिए एक शब्द इसने बोली कि तुम्हारे जिया जी के लिए उसकी पत्थर की लकीर हो गई कि तूने ऐसा क्यों बोली, बोली तो क्यों बोली। हाँ जी जबकि आपकी जो बहन है वो शिखर को छूने में सामर्थ्यवान है, कर्मठ व्यक्ति, कर्मशील है, कायर नहीं है आपकी दीदी। मुझे किसी महिला की बड़ाई करना नहीं आता, सत्य को व्यक्त करना आता है, हाँ और जी अगर महिला गलत है तो मैं उसको गलत जरूर बोलूंगी। हाँ जी ये दोनों गर्म हो जाते हैं, एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं होते। ये उन पे ब्लेम लगाते हैं, वो इन पे ब्लेम लगाते हैं, और जो है ना परिस्थितियां, ये तलाक के कगार पे जाकर के पहुंच गई हाँ जी हाँ जी बहुत भी हैं। हाँ, लेकिन इसमें दोनों का भविष्य खराब है, ऐसा है। अगर ये इनको दोनों को समझना है तो इनको समझाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, गुरु शरण। गुरु शरण ही इनको जीवन में रंग ला सकता है। और आपकी बहन के जीवन में ये जो कठिनाइयां आ रही है ना, इनका नीच का बुद्ध हो गया है। नीच का बुद्ध होने के कारण इनको पति सुख नहीं मिल रहा है, और इस बालक को भी पत्नी सुख नहीं मिल रहा है, और इन दोनों को, पति पत्नी को, एक दूसरे का सुख प्राप्त हो इसके लिए ईश्वर कृपा ही केवलम इनके जीवन में शुभ फलदायकम। और भगवान की कृपा से हाँ ऐसा क्या है जो ठीक नहीं होता बेटा, सारी बीमारियों का इलाज है इस जीवन में, है ना। और शक की बीमारी ये का भी भी इलाज है। और साथ ही साथ हमें ये भी है कि मैं ये भी से बात करती हूँ सिस्टर की। हाँ अब हाँ जब तलाक का हो गया तो ये भी किसी लड़के से बात कर रही है, ऐसा भी है लगता है। कौन ये पूर्ण सत्य है। सत्य है ना, तो फिर अब क्या करना चाहिए, हम कुछ फैसला भी नहीं कर रहे। आप ऐसी करो, बताइए एक ऐसा बार तो। करो कि अपनी बहन का घर बस जाए, और जिसके साथ इसका शादी ब्याह हुआ है उसी के साथ जीवन होना चाहिए। शादी हाँ के बाद ये जो सोच रही है कि मेरा वहां सुख है, तो वहां हाँ इसको सुख नहीं है। वो लड़का भी इससे ज्यादा पागल निकलेगा जिसके साथ ये अच्छा अपना दिमाग लड़ा रही है, तो ये हाँ ठीक बात नहीं है। हो सके तो अब सुबह का भूला शाम को घर आया, उसको भूला नहीं कहते, वो गुम गया था, अब वापस आ गया, तो अपने बच्चों को अपन को घर में रखना होगा। हाँ तो इसके लिए क्या करें। इसके लिए भगवत भक्ति, ईश्वर भक्ति ही इनके जीवन में रंग ला सकती है। नहीं और तो माता जी, जैसे मेरे में मेरा मन भटक रहा था, ये मेरे में कमी है, बाकी भगवान का भगत जरूर हूँ मैं। तो क्या अगर मैं वो मेरी इंद्रियों पे वश करूँ, मतलब किसी के लिए गलत नहीं सोचूँ, किसी लड़की वड़की के लिए ऐसे कुछ भी नहीं सोचूँ, यही कमी है मेरे अंदर, मैं जान गया आपकी बात से, तो ये नहीं सोचूँ। और अगर मैं सच्चे मन से करूँ तो क्या ये सिस्टर की मदद कर सकता हूँ मेरी भक्ति के द्वारा। आपकी भक्ति प्रबल होगी, दृढ़ होगी, अपने आप को आप संभालेंगे तब तो किसी को संभाल पाएंगे। आप अपने अपने मन क्रम वचन से एक इष्ट सिद्धि पे आप लगन तो लगाइए, इष्ट को सिद्ध करने में, तब आपका इष्ट सिद्ध होगा। इष्ट की कृपा से आप तो अपने परिवार का ही भला कर सकते हैं। तो माता जी उसी के लिए तो आपको फोन किया आप कि क्या सबसे आप पहले इरफानदर्शी। गुरु दीक्षा प्राप्त करके और माँ भगवती की भक्ति में लीन होकर के अपनी साधना को सफल बनाएं, और अपने घर में ही माता जी की कृपा से सुख और समृद्धि, यश, कीर्ति, वैभव, सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति करें। ठीक है।